तो मित्रों, एक बड़ा ही रोचक टॉपिक लेके आज मैं आपके पास आया हूं कि रोज की दिनचर्या के अंदर आप राहु और केतु को कैसे सुधार रहे हैं और जाने अनजाने कैसे बिगाड़ लेते हैं, ये मैं आपको बता रहा हूं। यदि आप अपने घर में चप्पल जूते कहीं भी खोल देते हैं और आपकी जो चप्पल है एक नॉर्थ देख रही है, एक साउथ देख रही है, उल्टी सीधी कहीं भी पड़ी हुई है, तो आप निश्चित तौर पर अपने राहु को खराब कर रहे हैं। इसका सबसे अच्छा उपाय है कि आप घर के बाहर एक स्टैंड लगाइए, उसके अंदर सभी जूते चप्पलों को वहां पे रखिए और घर से बाहर जब आप जाएं उनको आप पहन के चले जाएं, वापस आके वहीं रख दें। घर के अंदर यदि आप चप्पल लेके जाने की आपके यहाँ पे प्रथा है तो दूसरी चप्पल का जोड़ा एक अंदर रख लें जो आप अंदर ही लेके घूमें। और सिर्फ यही नहीं, जब आप बेड पे बैठते हैं तो वो जो चप्पल आप उतार रहे हैं या जूते आप उतार रहे हैं उनको ढंग से एक तरफ कोने के अंदर रखें और सीधा रखें। यदि वे उल्टा सीधा पड़ी रहती हैं तो निश्चित तौर पे आप अपने राहु को बिगाड़ रहे हैं। और यदि आप उनको बाहर स्थान दे देते हैं तो आप उनका आदर कर रहे हैं, अपने घर के बाहर एक स्टैंड बना के वो रखते हैं। इसके अतिरिक्त यदि आप अपने घर के अंदर जब आप स्नान करके आते हैं तो आपने कपड़े उठाए और चल दिए बाथरूम से, बाथरूम वैसे गीला पड़ा हुआ है, आपने उसको वाइप नहीं किया, बाल्टी को अपने स्थान पे नहीं रखा, तो निश्चित आपका राहु बिगड़ जाएगा और आपके घर में झगड़े होना शुरू हो जाएंगे, मियां बीवी में दूरियां शुरू हो जाएंगी और आपको समझ नहीं आएगा किस कारण से झगड़ा हो रहा है, लेकिन वो झगड़ा होएगा। क्यों? क्योंकि राहु एक छाया ग्रह है, छाया दिखती नहीं है, आपको अपनी छाया पीछे दिखेगी नहीं, अचानक आ जाती है और अचानक छाया से लोग डर भी जाते हैं। अचानक डर जाने का मतलब क्या हुआ? वो अलर्ट नहीं है। राहु का जब भी समय आता है आपको बहुत अलर्ट रहना है, सजग रहना है, क्योंकि ये बहुत चपल है, कुटिल है, आपकी जो मति है उसको भ्रमित कर देता है, ये आप समझ नहीं पाते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है, और कभी आता है आपको मालूम नहीं पड़ता, अचानक आएगा। तो इस वजह से यदि आप जब भी बाथरूम में नहाने जाते हैं तो नहाने के पश्चात आप बाल्टी को उसके स्थान पर रखें, साबुन को उसके स्थान पर रखें, मग्गे को उसके स्थान पर रखें और वाइपर से पूरे बाथरूम को ढंग से सूंध करके उसका पानी सारा बहा करके फिर आप यदि बाहर आते हैं तो आप दिनचर्या के अंदर ही राहु को ठीक कर लें। और यही नहीं है, जब आप स्नान करना आरंभ करें तो जो अपने पाँव के नीचे के तलवे हैं उसके ऊपर सबसे पहले आप साबुन लगाएं, उन्हें धोएं, उसके पश्चात आप पूरा स्नान जैसे करना चाहे वैसे कर सकते हैं। इससे भी आपका जो राहु है वो कंट्रोल में रहता है। इसके अतिरिक्त आप घर के अंदर दो रंग के यदि पौधे लगाते हैं, इसके अंदर दो रंग के फूल आते हैं, ऐसे पौधे यदि आप लगाते हैं तो वो बहुत ही अच्छा रहता है आपके राहु और केतु को कंट्रोल करने। इसके अतिरिक्त आपका जो नेतृत्व कोण है यानी कि साउथ वेस्ट का जो कोना है घर का, वो होता है मास्टर बेडरूम होना चाहिए आपका, यानी कि जो घर का मुखिया है उसका कमरा होना चाहिए, उसके अंदर आपको पीले फूलों वाला कोई भी पौधा लगाए तो ये बहुत ही उत्तम रहेगा। नॉर्थ वेस्ट का जो वायव्य कोण है उसके अंदर यदि आप लाल रंग का झंडा लगाते हैं तो ये बहुत ही शुभ रहता है। इसके अतिरिक्त राहु क्या है? मति भ्रमित करने वाला है और विच्छेदात्मक ग्रह है, जो विच्छेद जरूर कराएगा, आपके मैया बीबी में बहुत ज्यादा झगड़ा होने लग जाएगा और डायवोर्स तक बात पहुंच सकती है। तो ऐसी स्थिति में आप क्या करें कि एक कांच की शीशी के अंदर गंगा जल भर लें, उसमें छोटा सा टुकड़ा चांदी का डाल लें, उसको बंद करके वो अपनी वाइफ को गिफ्ट करें और इसी तरह वाइफ भी एक कांच की शीशी में गंगा जल और थोड़ा सा चांदी का टुकड़ा डाल के आपको गिफ्ट करे, जो आप अपने पास रखें और सोते समय अपने सिरहाने रख के यदि आप उस गंगा जल गिफ्ट की भी गंगा जल की शीशी को आप रखते हैं तो निश्चित रूप से आप लोगों में सामंजस्य और बढ़ेगा। जिस व्यक्ति के ऊपर राहु आया हुआ है वो यदि किचन में बैठ करके रसोई घर में बैठ कर ही खाना खा लेता है तो राहु पे कंट्रोल हो जाता है। इसके अतिरिक्त आप चार नारियल लेके यदि अपने घर पे उबार करके, बहुत कलेश चल रहा है, बहुत लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, और उसको किसी नहर या नदी में बहा देते हैं तो भी राहु आप कंट्रोल कर सकते हैं। कौवे यदि आपके मुंडेर पर आते हैं तो आप उनको मीठी रोटी खिलाएं तो इससे भी आप कंट्रोल कर लेंगे। आप इसके अलावा मूली का दान करिए या तांबे की कटोरी के अंदर, तांबे की प्लेट के अंदर अखरोट रख के रविवार के दिन यदि आप दान करते हैं या फिर रविवार के दिन गेहूं और गुड़ का दान करते हैं आप, तो निश्चित रूप से आप राहु को कंट्रोल कर लेंगे। और एक और इम्पोर्टेंट बात, घर में कूड़ा करकट कबाड़
ये अपने को नहीं इकट्ठा करते, क्यों? क्योंकि ये क्या है, अब आप साइंटिफिकली भी देखिए कि जहाँ पे भी कूड़ा करकट कबाड़ अपन इकट्ठा रखते हैं, फालतू का सामान इकट्ठा कर देते हैं, वहाँ पे मच्छर होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, वायरस होते हैं और उसी से विभिन्न बीमारियाँ आती हैं। तो राहु क्या है? राहु भी एक वायरस है, विषाणु है, जीवाणु है, एक राक्षसी प्रवृत्ति का जीव कह सकते हैं इसको आप, एक हवा है। और हवा क्या है? वायरस और बैक्टीरिया हवा ही तो है, हवा से आते हैं। इस समय जो कोरोना फैल रहा है उसमें आपको कहा जाता है कि आप एसी में मत सोइए, क्यों? क्योंकि जब कमरा बंद होता है तो उसमें हवा सर्कुलेट नहीं होती। तो राहु को यदि आपको रोकना है तो घर में कूड़ा कबाड़ इकट्ठा नहीं करना है, कचरा नहीं होने देना है, स्वच्छता रखनी है और एयर सर्कुलेशन रखना है। जितने ज्यादा एयरी कमरे में आप सोएंगे, उसमें रहेंगे, कूलर चला के रखेंगे तो उससे ये कंट्रोल में आए। इसके अतिरिक्त जो अपना सूर्य है, इसका प्रकाश जहां पे भी पड़ता है वो जीवन प्रदान करता है और जितने भी विषाणु हैं, जीवाणु हैं, इनको मारता है, खत्म करता है। इसलिए सुबह उठते ही आप सभी का कर्तव्य बन जाता है कि सारे पर्दे हटा करके जितनी सुबह की जो धूप है जब तक वो आ रही है आपके कमरों के अंदर, सब में आने दें ताकि उसके अंदर के जो विषाणु कीटाणु है वो मर जाए। वही राहु के लिए कहा गया है कि जहां जहां राहु सूर्य की किरण पड़ती है ना, उस जगह पे राहु का वास नहीं हो पाता। राहु हमेशा अंधकार के अंदर, ऐसी जगह जहां पे सीम हो, डैम्पनेस हो, हल्का मॉइस्चर हो, वहां पे पनपता है राहु, वहां इसको बहुत अच्छा लगता है। तो हमेशा अधिक से अधिक सूर्य की रोशनियां आने का प्रयत्न करें। और एक और इंपॉर्टेंट बात है कि सुबह सुबह जब आप नहाने के लिए जाएं तो उस समय पानी की बाल्टी के अंदर आप एक चम्मच गौमूत्र और एक चम्मच सेंधा नमक डालिए और उस पानी से फिर नहाइए। आपने पहले भी सुना होगा कि सब जने कहते हैं कि पानी के अंदर अगर नमक डाल के नहाते हैं तो वो बहुत अच्छा रहता है, पॉजिटिविटी रहती है। क्यों रहती है मैं आपको समझाता हूं। देखिए, जब सपोज कोई व्यक्ति जा रहा है और उसने अपना हाथ बस से बाहर निकाल लिया या कार से बाहर निकाल लिया और दूसरी गाड़ी आई और एकदम उसको काट के चली गई, तो उसके पूरे बॉडी का, आंखों के सबका अट्रैक्शन किस तरफ जाएगा, अटेंशन किस तरफ जाएगा? सीधा उस हाथ की तरफ जो कटा है। वो ही राहु के साथ हुआ। जब उसका सिर कटा तब उसके नेत्र यानी उसका सिर का जो पूरा पोर्शन है उसका पूरा अटेंशन जो था वो उसकी बॉडी की तरफ था और बॉडी जो थी उसका पूरा अटेंशन उसके सिर की तरफ था कि उसका कनेक्शन खत्म कहां से, अपने जो मेन उससे हो रहा है, दिमाग से हो रहा है। तो इस वजह से राहु हमेशा 180 डिग्री पे आमने सामने रहते हैं केतु के, सेवंथ हाउस पे रहते हैं, सातवें स्थान पे रहते हैं और बिल्कुल सामने रहते हैं। यानी कि शास्त्रों में जो बात कही गई है कि जिस जगह पे दृष्टि होती है ग्रह की, उस जगह पे उसका प्रभाव ज्यादा होता है। राहु हो सकता है कि पहले स्थान पे हो लेकिन उनकी दृष्टि सातवें स्थान केतु के ऊपर क्यों रहती है हमेशा? क्योंकि उनका अटेंशन हमेशा केतु की तरफ ही रहता है। तो यदि आपका अटेंशन जिस तरफ ज्यादा है उस चीज का इलाज किया जाएगा तो आप जल्दी ठीक होंगे। और इसीलिए लाल किताब के अंदर कहा गया है कि यदि राहु की दशा चल रही है तो उसमें आप केतु का इलाज करिए और केतु की दशा चल रही है तो राहु का इलाज करिए। तो अब ये बाल्टी में मैंने दो चीजें जो डालने के लिए कही आपको, जल के अंदर गौमूत्र। गौमूत्र क्या है? गौमूत्र सैनिटाइज कर देता है आपको फिजिकली, ठीक है? जब आप गौमूत्र पीते हैं तो आप एक्सरसाइज कम भी करेंगे या नहीं भी करेंगे तो मैं कहता हूं कि वो अनवांटेड जो भी फैट है आपके बॉडी का उसको गला देता है, जितने जीवाणु है विषाणु है आपके अंदर, बैक्टीरिया वायरस है बीमारियां, उनको खत्म कर देता है। ये गौमूत्र का काम होता है, सैनिटाइज कर देता है इंटरनली। बाहर से तो आप सैनिटाइज कर सकते हैं अपने हाथों को, नहा धो के साबुन से बालों को, शरीर को कर सकते हैं, अंदर से नहीं कर सकते, अंदर से गौमूत्र करता है, ठीक है? और जो मैंने जिस पानी से आप नहा रहे हैं तो आपके बॉडी को आप सैनिटाइज कर दिया गौमूत्र ने, और उसने क्या किया, नमक ने, सेंधा नमक ने। सेंधा नमक नेगेटिविटी खींचता है। तो राहु का इफेक्ट कैसे कम हो रहा है? राहु क्या है? राहु एक सोच है, डिप्रेशन में जाना, डर लगना, ये सब राहु है। तो उस चीज को खत्म करने के लिए, आपकी नेगेटिविटी को खत्म करने के लिए वो नमक डाला है। तो ये दोनों चीजें जब आप डाल के स्नान करते हैं सुबह तो 100% राहु के ऊपर आपका कंट्रोल हो ही जाता है। इसके बाद जब आप ब्रश कर लेते हैं, मंजन करने के पश्चात आप क्या करिए, दो पत्ते तुलसी जी के मुंह में डाल लीजिए और पीछे की तरफ मुंह में रख लीजिए, आगे के दांतों से उसको नहीं चबाया जाता है तुलसी जी को, उसमें मरकरी होता है इस वजह से। इसलिए हमेशा बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि पीछे के दांतों में उसको आप रख लीजिए और पीछे के दांतों से आप
जो मोल मोलर्स हैं अपने उन्हीं से आप चबाइए। इसके अतिरिक्त आप एक काम और कर सकते हैं कि रविवार को छोड़ के प्रतिदिन तुलसा जी के अंदर संध्या के समय गौधूली बेला के अंदर आपको एक घी का दीपक जलाना, ठीक है। इससे राहु कंट्रोल में होते हैं, वश में आते हैं। और आपको क्या करना है कि कोई भी कन्या को यदि आप मीठा दही खिलाते हैं या फिर लस्सी पिलाते हैं तो भी आप राहु को कंट्रोल करते हैं। तो इतने सारे जो मैं उपाय बता रहा हूं, सारे नहीं करने हैं आपको, ये इतने उपाय मैं इसलिए बता रहा हूं, जितने भी संभव है सारे उपाय मैं आपको बता रहा हूं। इनमें से जो आपको सूट करता है, जो इजीली आप कर सकते हैं, क्योंकि सस्टेनेंस बहुत जरूरी है, कंटिन्यूटी बहुत जरूरी है। आप कुछ कर रहे हैं तो उसको कुछ समय तक रेगुलरली करिए तो सही, तभी तो प्रभाव दिखेगा। आज ये कर लिया, कल वो कर लिया, वो भी छोड़ दिया, भी छोड़ दिया, कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो जो आपको सबसे आसानी से सूट हो रहा है वही उपाय आप चुनिए और वही उपाय आप करिए ताकि आपको फल मिले। जब आपकी राहु की महादशा चल रही है तो आप काले और नीले वस्त्र कभी भी अपने ससुराल पक्ष से न लें, बिजली का कोई भी उपकरण उनसे न लें, ये सब राहु है। अब आप कहेंगे कि भाई वो तो रिलेशन खराब हो जाएंगे, वो लोग बुरा मान जाएंगे, तो उसके लिए एक ही उपाय है, आप जब वो जो भी गिफ्ट आपको देते हैं उनसे आप ले लीजिए, लेकिन उसके बदले में रिटर्न गिफ्ट उनको दे दीजिए। सासू मां ने आपको एक नीले रंग का सूट दिया, आप उसी कीमत की लगभग या उससे थोड़ी ज्यादा कीमत की साड़ी खरीद के सासू मां को दे दीजिए, भाभी को दे दीजिए, जिसने आपको गिफ्ट दिया उसको आप दे दीजिए। तो उससे आपकी राहु की दशा जो है और बिगड़ेगी नहीं और आप उसको कंट्रोल कर पाएंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अपन लोहे को ही लोहा काटता है ये कहते हैं, जहर ही जहर को काटता है और नशा ही नशे को काटता है। तो राहु क्या है? एक नशा है, एक खुमार है। जब वो आ जाता है तो आपकी मति भ्रमित कर देता है। राहु जिसके साथ वो न माने किसी की बात, सिर्फ राहु की ही बात मानेगा वो, ठीक है, ना माँ की सुनेगा, ना पिता की सुनेगा, ना और किसी की सुनेगा, सामने हा हा करेगा और पीछे जाके वही करेगा जो राहु ने उसको मिसगाइड किया है, और हमेशा गलत ही करेगा, ठीक है। तो अब आप अपने इस नशे को, इस खुमार को जो आपके सर पे चढ़ गया है राहु, इसको कैसे खत्म करेंगे? नशे से ही खत्म करेंगे। कैसे? नशे से। राहु जो है वो चंदन की सुगंध से मदमस्त हो जाते हैं। चंदन की सुगंध यदि राहु के को मिल जाए तो एकदम अपना आपा खो बैठते हैं और उसी में खो जाते हैं। तो जब वो उसमें खो जाएंगे तो वो अपनी दुनिया में चले जाएंगे, वो आपकी दुनिया से निकल जाएंगे, आपके ऊपर कोई प्रभाव नहीं डालेंगे। तो हमेशा जब आपकी राहु की दशा चल रही है तो चंदन की अगरबत्ती, चंदन की धूप बत्ती आप घर में जलाइए, हमेशा जला के रखिए, तो उससे आप राहु के ऊपर बहुत ही कंट्रोल कर लेंगे। क्योंकि आप राहु आपको भ्रमित करने के लिए आए, आपने राहु को ही भ्रमित कर दिया, ठीक है। यदि आप चंदन की अगरबत्ती रोज जलाना भूल जाते हैं तो इसका भी उपाय है। आप क्या करिए, चंदन की एक लकड़ी लीजिए छोटा टुकड़ा, उसको हरे कपड़े में लपेट करके और उसको सिल लीजिए और उसके एक माला बना करके गले में धारण कर लीजिए। फिर आपको रोज चंदन की धूप या अगरबत्ती लगाने की भी जरूरत नहीं है और राहु को आप पूर्णतः कंट्रोल कर लीजिए। इसके अतिरिक्त 5 शनिवार को यदि आप नीले या काले कपड़े के अंदर कोई भी भोजन सामग्री रख देते हैं, वो रख करके और आप किसी जरूरतमंद को दान दे देते हैं तो आप राहु को प्रसन्न करते हैं, उसको कंट्रोल में ले लेते हैं। इसके अतिरिक्त जो पितृ विसर्जन अमावस्या आती है उस दिन दोपहर के समय यदि आप जरूरतमंद यानी कि वाकई में ही भूखा जो इंसान है उस भूखे इंसान को यदि आप भोजन कराते हैं 2 को 5 को 7 को श्रद्धा अनुसार तो भी आप राहु को कंट्रोल में। इसके अतिरिक्त आप शनिवार के दिन मछलियों को आटे की गोलियां बना करके डालें, रविवार के दिन आप थोड़ा सा चीनी ले लें, उतनी ही मात्रा के अंदर नारियल को कस लें या फिर नारियल का बुरादा ले लें, दोनों को बराबर मात्रा में मिला लें और उसके अंदर 1-2 बूंद घी या 1/2 चम्मच घी डाल करके और उसको रख लें अपनी एक डिब्बी में और रोज चींटियों को आपको थोड़ा थोड़ा करके डालें, कंट्रोल 100% राहु और केतु के ऊपर, ठीक है। तो ये बातें यदि आप और ध्यान रख लेते हैं तो ये आपके लिए बहुत लाभकारी है। इन सभी उपायों को यदि आप करते हैं तो आप निश्चित रूप से अपने राहु और केतु को सुदृढ़ कर पाएंगे दिनचर्या के और एक सुखी जीवन व्यतीत करेंगे।